जय श्री राम, जय मां मुंडो मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाश नाथ तंत्र गुरु चरण में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ अलग विषय लेके आया हूं। ये विषय मैं इसलिए लाया हूं, वर्तमान 14 तारीख को दीपावली है। इस मूल्यवान एवं ताकतवर तिथि में अगर आप लोग ये उपाय को करें तो आपका हर मनोवासना, आपका रुका हुआ काम, फंसा हुआ अर्थ, जमीन का कारोबार जो फंसा है, जो मामला में कोर्ट कचहरी में फंसे हुए इंसान है, ऐसे इंसान के लिए ये सभी समस्या में ये एकदम भरपूर आप लोगों को लाभ पहुंचाएगा। और ये प्रयोग को करने में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 रुपये का खर्चा आएगा। मैं आप लोगों को हर बार ही बस बोलता हूँ मित्रों, मेरा जो टोटका जो प्रयोग है वो प्रयोग करने में ज्यादा से ज्यादा 100 या 150 रुपया खर्चा आएगा, लेकिन आज का प्रयोग बहुत ही अलग टाइप का है। ये टोटका नहीं है मित्रों, ये है एक तांत्रिक मंत्र एवं तंत्र का कॉम्बाइंड प्रयोग। ठीक है, मैं मंत्र वीडियो के नीचे लिख दूंगा, मंत्रों को कैसे क्या करना है मैं वीडियो में बीच में संपूर्ण बता दूंगा आपको। पहले एक विषय मैं आपको क्लियर कर लेना चाहता हूं। इस प्रयोग में आपको मंत्र का जाप करना है। मंत्र कैसे जाप करेंगे इसके लिए अलग सा वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर उंगली से जाप करते हैं तो उसके लिए कैसे टेक्निक है, कैसे उंगली को घुमाना है, कौन से देवता के लिए उंगली कौन से साइड से जाएगा, ये अलग सा वीडियो है। माला से अगर करते हैं, ये जो अनुष्ठान है इसमें माला का कोई प्रयोजन है नहीं, तो माला से इससे जाप नहीं होगा। इसे जाप करने के लिए उंगली का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये विषय को ध्यान रखिए। और एक विषय मित्रों मैं बता रहा हूं, प्रयोग करने से पहले इंसान स्किप कर मूल प्रयोग में चला जाता है, लेकिन स्किप करके जाने से लाभ क्या, आप लोगों को लॉस होगा। इसका कारण मैं आपको बताता हूं। प्रयोग आप लोग ठान लिए जो शनिवार को ये प्रयोग आपको करना है, गुरुजी ने बताया, तो प्रयोग करने से पहले मेंटल प्रिपरेशन भी एक बहुत जरूरी है। प्रयोग करने से पहले आसन, स्थान, उपयुक्त समय निर्वाचन करना, इसके लिए वीडियो बना है, वो वीडियो को देखिए। प्रयोग करने से पहले आपको दिमाग में पहले तो आपको संपूर्ण विषय को सोचना है। हाँ, ये उद्देश्य से मैं प्रयोग को कर रहा हूं, मेरा दिमाग में वही चीज बिठा कर प्रयोग को करे, तब जाकर प्रयोग में आपको सफलता मिलेगा, नहीं तो सफलता कभी नहीं मिलेगा। किसी का भी प्रयोग आप लोग अप्लाई कर लीजिए, जो प्रयोग करने जा रहे हैं, जिस कारण से प्रयोग करने, जिस व्यक्ति के ऊपर प्रयोग करने जा रहे हैं, अपने दिमाग में वही चीज का ध्यान रखें और प्रयोग को संपूर्ण विश्वास भक्ति गुरु का नाम लेकर प्रयोग को आजमाइए। तो ये जो सिस्टम है, सिस्टम को मैं पहले आपको बता दिया। अभी मैं अपना मूल विषय के ऊपर आता हूं, उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। वीडियो में लाइक बहुत कम आ रहा है मित्रों, वीडियो आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। अगर पसंद आपको है तो लाइक क्यों नहीं करते, लाइक कीजिए। लाइक करने से मुझे लगेगा कि हाँ, ये वीडियो में आप लोग को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया। कमेंट भी आप लोग करते हैं विषय को लेकर, लेकिन लाइक लाइक थोड़ा कीजिए। और मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो मित्रों, ये जो शनिवार है 14 तारीख को, शनिवार को ये जो प्रयोग, मैं पहले एक चीज बता देता हूँ। ये जो प्रयोग है, प्रयोग को हो सकता है बहुत लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन किताबों में, मैं एक चीज आपको मेंशन करना चाहता हूँ, किताबों में एक मंत्र है, उसको 11,000 जाप कर लीजिए, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ऐसा आपको बहुत सारे लोग दिखे होंगे, आप लोग देखते हैं, इंद्रजाल है, ये टोटका का प्रयोग है, वो टोटका का, 11,000 जाप कर लो, 10,000 कर लो, या 100 कर लो, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध हुआ आज तक किसी का? अगर हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद मंत्र तो लिखा हुआ है, बटुक भैरव का मंत्र है, महाकाली का मंत्र है, प्रयोग विधि कहाँ पे है? सबसे मूल्यवान है प्रयोग विधि, अप्लाई करने का तरीका कहाँ है, नहीं है। इसके लिए गुरु का प्रयोजन है, शास्त्र में इसीलिए गुरु का प्रयोजन माना गया है। गुरु ही एकमात्र है जो ये संपूर्ण विषय को बताता है। अच्छा, टॉप टॉप तंत्रों का किताब में एक एक जगह में, विशेष विशेष एक जगह में लिखा हुआ है। आगे का जो पाठ है अपने अपने गुरु से जान ले, अपने अपने गुरु से पूछ ले, इसका कारण यही है। जो गुप्त है, विद्या है, जो मूल्यवान चीज है, वो किताबों में नहीं लिखते हैं। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ, ये जो प्रयोग है, प्रयोग को सुनिए, प्रयोग को आगे क्या करना है, प्रयोग कैसे करना है और बाद में क्या करना है, ये संपूर्ण विषय मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले शनिवार के दिन आप लोग शाम के टाइम में सूर्यास्त जाने के बाद, आप आपके मोहल्ला में अगर कुत्ता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई जगह पे जाइए, कोई
कुत्ते को कुछ खिलाइए, क्या खिलाए आपके जो रुचि में आएगा, जो आपको अच्छा लगे कुत्ते को खिलाइए। उसके बाद घर में आइए, नहाइए, नया कपड़ा अगर आपके पास है तो नया कपड़ा लीजिए, नहीं तो धुला हुआ कोई एक कपड़ा लीजिए। कपड़ा लेने का सवा मुट्ठी चावल लीजिए, ठीक है, एक मुट्ठी और आधा, सवा मुट्ठी चावल लीजिए। चावल लेने का तो चावल को, उस चावल को बनाइए, ठीक है, उसमें क्या देना है, मीठा देना है और हल्का सा हल्दी देना है। उसके बाद तो चावल को बना लिए, चावल को बनाने के बाद अभी चावल को एक जगह में रख दीजिए, जो पात्रों में है वही पात्रों में रखिए। नीचे दिए हुए जो दो मंत्र मैं आपको दूंगा, ठीक है, वो दो मंत्र को आपको 108 108 दो मंत्रों को जाप करना है, ठीक है। 108 108 मंत्र को जाप कर लिए, अभी चावल का जिस पात्र में चावल बना ढक्कन लगाकर छोड़ दीजिए। हो गया ये आज के दिन का, शनिवार के रात का प्रोग्राम खत्म। रविवार के दिन, ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपके घर में कौवा आता है तो ठीक है, अगर आपके घर में कौवा नहीं आता है तो आप ऐसे जगह चूज कीजिए जहां पे कौवा आता है, कौवा खाता है, कौवा आता है, या कुछ खाना दाना देने से कौवा आकर खाएगा, ऐसा जगह चूज कर लीजिए। एक कागज का पत्तल ले लीजिए, उस पे वो चावल जो बना हुआ चावल है वो चावल को डाल दीजिए और कोई दूर जगह पे जाकर छुप जाइए। कौवा आएगा, खाएगा, लड़ाई करेगा, उसमें एक पंख जरूर गिरेगा, जो पंख उसमें गिरता है वो पंख को उठा लीजिए। पंख उठाने के बाद वो पंख को लेके आ जाइए, अभी घर में आइए, ठीक है, अभी घर में आइए। बहुत लोग इतना तक ही जानते हैं, इस पंख हो गया सिद्ध, नहीं हुआ सिद्ध, अभी घर में आइए। घर में आने के बाद एक तांबे का कटोरी हो, थाली हो, चांदी का हो, सोने का हो, या कांसे का हो, या पीतल का हो, थाली में रखिए। धातु इसको बोला जाता है, स्टील को धातु नहीं बोला जाता, बहुत सारे जगह में देखा स्टील का उपयोग, स्टील मैंने धर्म कार्य में काम में नहीं आता है, ये सब कार्य में काम में आता है। तांबा हुआ आपका, पीतल हुआ, कांसा हुआ, चांदी हुआ, सोना हुआ, ये सब काम में आता है, उसमें रखिए। उसमें हल्का सा आप क्या उसको गुलाब जल, उसमें हल्का सा गुलाब जल छिड़किए, हल्का सा गुलाब जल उसमें दे दीजिए। उसके बाद आपके पास केसर है तो थोड़ा बहुत केसर दे दीजिए और जरूर उसमें चंदन दीजिए, ठीक है। ये सारे सामग्री उसमें उसमें डालिए। अभी 108 बार जो कल वाला जो मंत्र आप जो शनिवार को जो चावल में जो जाप किए थे, 108 बार मंत्र उसमें उस पंख के ऊपर जाप कर लीजिए। अभी पंख को उठाइए, पर्सनल कोई जगह है, सिंदूक है, कोई तिजोरी है, कोई पर्सनल जगह, जो जगह पे ज्यादातर कोई छुएगा नहीं, उस जगह में उस पंख को, अगर वैसा कोई जगह आपके पास नहीं है तो मैं और एक उपाय आपको बता दे रहा हूँ, वो पंख को इधर उधर रखेंगे तो पंख नष्ट हो जाएगा, या कोई दुष्ट लोग अगर छू लेता है ज्यादातर, मान लीजिए आपका किताबों का सेल्फ में पंख रख दिया, कोई आया ये क्या है, देख लिया नष्ट हो गया, दूसरे का हाथ लगना नहीं चाहिए पंख को, ये सबसे बड़ा बात है। वो पंख को एक प्लास्टिक का डब्बा, नया एक प्लास्टिक का खरीदे, डब्बा खरीदे, डब्बा के अंदर उस पंख को डाल लीजिए, डब्बा को कोई जगह पर रख दीजिए, ठीक है, चुपा के कोई रख दीजिए, कोई डब्बा को नहीं पकड़ेगा। अभी क्या बात है, अभी जब आप कोई बहुत ही वाइटल कोई काम में जा रहे हैं, मान लीजिए किसी का पैसा, आपका पैसा कोई लेकर बैठ गया, पैसा नहीं दे रहा है, आप जा रहे हैं कोई कोर्ट कचहरी का मामला में जा रहे हैं, आपका दीर्घ दिन से लंबा टाइम से मामला फंसा हुआ है, ऐसे काम में जा रहे हैं, या किसी से आपका लड़ाई झगड़ा हो गया है, कोई प्रॉपर्टी के लेकर विवाद हो रहा है, ऐसे जगह में जा रहे हैं, आपका साथ अनबन चल रहा है, या प्रेम में आपका कोई झमेला चल रहा है, प्रेमी प्रेमिका के साथ आपका लड़ाई चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, कोई झमेला चल रहा है, ऐसा परिस्थिति में आप उस पत्ते को, और जो पत्ता मतलब सॉरी, आप उस जो पंख है, पंख को आपके पॉकेट में रख के भी ले सकते हैं, या तंत्र शास्त्र में ऐसे भी उल्लेख है, उस जो पंख है, पंख को ताबीज में भर के भी कोई कोई धारण कर लेता है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर धारण करते हैं, संपूर्ण पंख को धारण करना है, पंख को काटकर छोटा नहीं करना, नहीं तो पंख का कोई भी गुणावली आपको नहीं मिलेगा, पंख नष्ट हो जाएगा, प्रूफ भी नष्ट हो जाएगा। जैसा आपको पंख मिला, इतना बड़ा पंख अगर आपको मिलता है तो इतना ही बड़ा ही आपको ताबीज में भरना है और धारण करना, एक अंश भी उसको फेंकना नहीं है, तभी जाकर वो काम करेगा। ये संपूर्ण विधि, ठीक है, आप कीजिए, मेरा विश्वास है आपका उद्देश्य जरूर पूर्ण होगा। जो उद्देश्य से लेकर, पहले तो जिस उद्देश्य से भोग लगा रहे, इसको भोग लगा रहे, बटुक भैरव को भोग लगा रहे, जिस उद्देश्य से बटुक भैरव को भोग लगा रहे, भगवान से प्रार्थना हाथ जोड़ के कीजिए, हे भगवान, मेरा ये मनोवासना है, मेरा ये काम फंसा हुआ है, या मेरा ये काम बहुत दिन से मैं करना चाह रहा हूं लेकिन हो नहीं पा रहा, नया कोई कारोबार शुरू करना चाहते तभी ये प्रयोग कर सकते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जब जाते हैं तब वो पंख को अपने साथ में रख सकते हैं, हर कार्य में ये आपका लाभदायक होगा। करने में क्या लगेगा, घर का चावल से ही आप कर सकते हैं। करने में क्या लगेगा, सवा मुट्ठी चावल, प्राइस है 10 से 15 रुपए, ठीक है। अभी और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा भी बहुत बार मैं देख चुका, ये सब जो प्रयोग मैं आपको बताती हूँ अपना अप्लाई किया हुआ प्रयोग है, ऐसा भी बहुत बार देख चुका हूं। मान लीजिए आपके घर में तो आप लोग कौवा का हर रोज रोटी खिलाते हैं या कुछ भी दाना खिलाते हैं, ठीक है, कौवा आता है खाता है,
ठीक है, जिस दिन ये प्रयोग आप लोग करेंगे, कौवा के लिए चावल बनाएंगे, और भी वो चावल क्या है, बहुत ही मैंने लजीज चावल, मीठा चावल कौवा के लिए आप लोग बनाए, लेकिन कौवा एक भी कौवा नहीं आया, एक भी पक्षी नहीं है, कौवा तो छोड़िए, एक भी पक्षी नहीं आया उस चावल को खाने के लिए आपकी आपका, ठीक है। आप सोचिए ये कैसे संभव है, होता है काहे, देखिए बात, जो आप दाना डाले हैं, भोग लगा है, भोग तो लगा है कौवा के लिए नहीं, भोग लगा है बटुक भैरव के लिए, ईश्वर को सब पता है। आपका इस अनुष्ठान कब सफल होना है, समय सबके सबसे बलवान है, इस अनुष्ठान कब सफल होना है, ये अनुष्ठान आपके द्वारा संभव है या नहीं, आपके नसीब में वो उद्देश्य हो, जो उद्देश्य आप ध्यान पहले में क्या बताया, जो उद्देश्य को लेकर आप ये अनुष्ठान कर रहे हो, उद्देश्य आपके आपसे उद्देश्य होगा, आपके नसीब में क्या वो है। मान लीजिए कोई एक जमीन ईश्वर से प्रार्थना के, प्रभु मैं वो जमीन को चाहता हूँ, वो जमीन मुझे मिल जाए, आपके नसीब में वो जमीन नहीं है, तो ईश्वर आपका उद्देश्य कैसे पूर्ण करेगा, इसलिए कौवा भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं खाएगा। ऐसा भी बहुत बार मैं देख चुका हूँ, पहले प्रयोग में कौवा नहीं आता है, नहीं खाता है, सेकंड प्रयोग में नहीं आता है, नहीं खाता है, लेकिन आप लोग धैर्य मत हारिएगा, आप लोग ये प्रयोग को लगातार 3 बार कीजिएगा, मैं देख चुका हूँ, थर्ड बार जो प्रयोग होता है वो प्रयोग सक्सेसफुल होता है और कौवा भी आता है, पंख भी मिलता है, ठीक है, कौवा भी आएगा, पंख भी मिलेगा, थर्ड बार ये प्रयोग को जरूर आजमाइए। ये प्रयोग शनिवार को, ये दीपावली का अनुष्ठान में शनिवार को ये प्रयोग कीजिए, शनिवार सिद्ध दिन है, जो भी प्रयोग करेंगे 100% आपका लाभ पहुंचेगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ठीक है, लाइक करने में खुशी होता है, मैंने लाइक देखने से भी खुशी होता है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, हरिओम तत्सत।